बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया 6 के नयाडी कुसुंडा कोल डंप का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई संघ के लोग नियोजन की मांग को लेकर डंप के कार्य को धरना देकर बाधित करने का काम करते आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व में जेएमएम और इंटक के बैनर तले कुसुंडा कोल डंप के ट्रकों को रोक करके दिनों तक धरना दिया गया था। इस बीच अनुमंडल पदाधिकारी के पहल पर दोनों गुटों काली बस्ती एवं कुसुंडा 7 नंबर के बीच समझौता कराकर लोगों को रोजगार से जोड़ा गया था और डंप को चालू कराया गया था। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज सुबह संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों ने गोधर काटा को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर नियोजन की मांग करते हुए जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के राजेश राम के द्वारा पिछले 25 जून 2021 से अवैध तरीके से रोड सेल के ट्रकों को रोककर धरना देने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कोल डंप को चालू करवाने की मांग की है। वहीं संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार को गोधर कोलेरी की परियोजना पदाधिकारी के द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन के द्वारा मांग किया गया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए कौन दंगल कहां काम कर रहे हैं, उनके कितने मजदूर हैं और हर दंगल में 10 मजदूर कार्य करते हैं, हर मजदूर की पहचान पत्र वोटर कार्ड की मांग करके जांच कर ताकि भविष्य में कोई भी संघ या गुट कोल डंप का कार्य बाधित ना कर सके। इस सभी विषयों पर ध्यान देते हुए 4 दिनों के अंदर कार्य को चालू करने की बात लिखी गई है, अन्यथा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले असंगठित मजदूर मिलकर कुसुंडा एरिया 6 का ट्रांसपोर्टिंग के कार्य को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी महाप्रबंधक की होगी। मौके पर राजू शर्मा, भगवान राम, राजेश चौहान, विनय सिंह, बिट्टू सिंह, ओम प्रकाश पासवान, शशि रंजन राम, राजेश शर्मा, सुधीर पासवान, नवल सिंह, रमेश वर्मा, सनोज पासवान, अशोक पासवान, अनिल गुप्ता, राजेश राम आदि सैकड़ों मजदूरगण उपस्थित थे। तो मदद हम मांगते हैं और ये लोग बराबर का ही धंधा की उधर भी काम करेगा और कुसुंदा भी काम करने चाहता है, दोनों जगह काम करने चाहता है। क्यों बढ़िया से जांच नहीं हो रही है उसको? और जांच अब नहीं हो रहा तो हम तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच किया जाए, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट की कोरोना जांच करके 10 आदमी के गैंग बना के और काम चालू किया जाए। अभी कौन कौन लोडिंग पॉइंट बंद है? यहाँ पर बंद किया है जो कटिबर आपके बेटा है राजेश राम, कुसुंदा पॉइंट बंद है। तभी जो बात हुआ, क्या बात हुआ यहाँ एजेंट के साथ? यहाँ बात हुआ कि चिट्ठी लिखा जो है, 18 फरवरी चिट्ठी लिखते हैं, उसमें क्या मांग किए हैं? मांग किया कि भाई हमको वहाँ चालू किया जाए, रोड करवाया जाए। कोई दिन तो यही लीला हो रहा है कि हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग जो है ट्रक लोडिंग का आज जो है 22 तारीख से बंद कर दिया है धरना देने, इसी के विषय में हम लोग सारा मजदूर का। अभी क्या बात हुआ, मैंने वार्ता में क्या निकला? वार्ता में यही बात निकला है कि हम लोग लिख के दिए हैं एजेंट साहब को और SDM साहब को, मानी जिला प्रशासनिक को लिख के दिए हैं, इसका समस्या का समाधान करेंगे और अभी थाना को लेटर लिख के दिए। 22 तारीख से कौन लोग वहाँ बंद किए हुए हैं? हैं मजदूर लोग, जनता मजदूर संघ के तरफ तहत बैनर के तहत अच्छी के तहत है। तभी क्या मांग करते हैं आप हमसे? आए दिन वहाँ बंदी हो जाता है, आए दिन बंदी होता है, मानी लगभग ये तो जब से चालू हुआ है तब से 3 से 4 बार 5 बार कर लगभग बाधित होता है। 4 दिन चालू होता है, 2 दिन चालू होता है फिर बंद, 2 दिन चालू होता है फिर। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से तो शुरू से मांग है कि हम लोग को कार्य को सुनिश्चित चलाया जाए, सुनिश्चित समझ ताकि रोजी रोजगार के लिए। प्रशासन के लोग आए थे क्या अभी? नहीं, प्रशासन के लोग नहीं आए, जानकारी दिए हैं बड़ा बाबू आए तो पहल कुछ नहीं। बड़ा बाबू SDM साहब उस समस्या के लिए इकरारनामा और ये भी बना करके दे दिए थे, इस पर ये लोग आपस में विवाद कर रहे हैं जिसके कारण बंदी हो रहा है। मजदूर आपस में विवाद कर रहे हैं? आपसे विवाद है ना। तभी क्या क्या मजदूरों से क्या वार्ता हुई आपकी? जो लोग बंदी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जो उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया उसकी सूचना मैं थाना प्रभारी को दे रहा हूँ। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।